और खबरों की आपको बताते हैं। सबसे पहले खेल के मैदान से, क्योंकि टीम इंडिया का आयरलैंड दौरे के बाद इंग्लैंड में T20 और वनडे मुकाबले जो होने हैं उसके लिए ऐलान कर दिया गया है। और भारत इंग्लैंड वनडे और T20 सीरीज के लिए जो अनाउंसमेंट हुई है, उमरान मलिक को एक बार लगातार ये तीसरी बैक टू बैक सीरीज में मौका मिला है। जम्मू कश्मीर से पहले खिलाड़ी जिन्हें 3 बैक टू बैक सीरीज खेलने का मौका मिला है। इन सब के बीच में आपको ये भी बताएं कि उमरान मलिक इंग्लैंड दौरा जो 3 T20 मुकाबले खेले जाने हैं उसका हिस्सा होंगे। और आज पहला टेस्ट मैच है, बल्कि 5 टेस्ट मैच जो होने थे, एक बकाया था तो वो एक टेस्ट मैच भी आज होने जा रहा है। और साथ ही साथ डर्बी शायर के साथ T20 वार्म अप गेम में है, काउंटी ग्राउंड डर्बी में, उसमें भी हो सकता है उमरान खेले। इसके अलावा जो वनडे और T20 मुकाबलों की सीरीज है, T20 7 जुलाई से अगली जुमेरात से पहला मुकाबला होगा, रात 10:30 बजे उमरान मलिक की सीरीज का हिस्सा होंगे। उसके बाद दूसरा मुकाबला 9 को, तीसरा 10 जुलाई को। वनडेज जहां तक बात है तो 12, 14 और 17 तारीख इसके लिए तय की गई है। और जो अनाउंसमेंट हुई है T20 स्क्वाड के लिए, उसमें रोहित शर्मा कप्तान, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, संजू सैमसन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव होंगे, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या होंगे, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल के साथ साथ रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह को भी मौका साथ साथ मिला है, जबकि हर्षल पटेल भी इस सीरीज का हिस्सा होंगे। वहीं वनडे में बहुत सारे पुराने खिलाड़ियों की वापसी हुई है, कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, शिखर धवन को वापस जगह मिली है, ईशान किशन होंगे, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के साथ साथ जडेजा, युजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर। तो बड़ी बात यह कि उमरान मलिक पहले खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका, आयरलैंड और अब जाकर इंग्लैंड में खेलेंगे। आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू कर चुके हैं, अब वो आपको 7 तारीख को एक बार फिर T20 मुकाबले में मैदान पर नजर आएंगे, जहां पहले वो ऑलरेडी हीरो बन चुके हैं एक मुकाबले का।